मैगी हम सभी की ऑल टाइम फेवरेट होती है, फिर चाहे वो बच्चे हो या बड़े हो। तो आज मैं आप लोगों के साथ मैगी कटलेट की रेसिपी को शेयर करूंगी, जो खाने में भी टेस्टी है और इसके अंदर वेजिटेबल्स भी है। तो चलिए आज की इस मज़ेदार मैगी कटलेट की रेसिपी को शुरू करते हैं। मेरे चैनल अर्थ किचन को सब्सक्राइब करें, यम्मी रेसिपीज को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको मेरे रेसिपीज़ अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए आज की इस मैगी कटलेट की रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैगी कटलेट बनाने के लिए मैंने एक पैन में 2 कप पानी डाल दिया है और 2 इस तरह के मैगी केक लिए हैं और उनको भी तोड़ के इसके अंदर डाल देंगे। इनको हमें मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक बॉईल करना है। इनको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, बस ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए उतना ही इनको कुक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने मैगी के जो 2 केक लिए हैं उनको तोड़ दिया है और पैन के अंदर डाल दिया है। जब तक हमारी मैगी जो है वो बॉईल होती है, हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के बॉइल्ड आलू लिए हैं और उनको मैश कर लिया है। 1/2 कप शिमला मिर्ची लिए, उसको बारीक काट लिया है और फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया लिया है और 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ली है और 1/2 कप फ्रेश स्वीट कॉर्न लिए हैं। तो इन सभी को हम एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने बॉइल्ड आलू डाल दिया है, उसको मैश कर लिया है, स्वीट कॉर्न डाल दिए हैं, बारीक कटी हुई शिमला मिर्ची डाल दी है, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और फ्रेश हरा धनिया डाल दिया है। अब इसके अंदर मैंने 1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, 2 सैशे जो है मैगी टेस्ट मेकर डाल दिए हैं। इनसे जो हमारे कटलेट है वो बहुत ही ज़्यादा यमी बनेंगे। आधा छोटा चम्मच नमक, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स को जो है स्प्रिंकल कर दिया है। और अब मैंने यहाँ पर ओरिगेनो लिया है और उसको भी स्प्रिंकल कर दिया है। इससे जो हमारे मैगी कटलेट्स है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी बनेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सभी मसाले डाल दिए हैं। तो इन सभी को हम मिक्स कर लेंगे और इनका जो है वो एक डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी मसालों को मिक्स कर दिया है और इस तरह से इसका डो जो वो तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो डो है वो कितना अच्छा दिख रहा है। और तब तक हमारी मैगी जो है वो भी बॉईल हो चुकी होगी, तो उसका भी जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम निकाल देंगे और उसको भी हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। तो इसको यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है और इसको बहुत ज़्यादा मैश भी नहीं करना है। तब आप देख सकते हैं कि हमारे मैगी कटलेट का जो डो है वो तैयार हो चुका है। तो हम इसके आगे की प्रोसेस की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके लिए स्लरी बनाई है, उसके लिए यहाँ पर मैंने 3 छोटे चम्मच मैदा लिया है और 2 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दिया है और इसके अंदर मैंने जितना हमको रिक्वायरमेंट हो उतना ही पानी डाला है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला है और इसके अंदर लम्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डाला है, बहुत ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डाला है और इसका जो पेस्ट है वो एकदम लम्प फ्री है, यहाँ के अंदर इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं है। तो इस तरह से हमारी सलरी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो अब यहाँ पे मैंने हाथों को ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया है और हम इनके जो है कटलेट्स बनाएंगे। आप चाहें जैसा इनका मनपसंद शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने कटलेट्स का जो है वो राउंड शेप दिया है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने सभी कटलेट्स तैयार कर लिए हैं और हमारी सलरी भी तैयार हो चुकी है। तो हम इनके आगे के प्रोसेस की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर हम सभी कटलेट्स को है जो वो सलरी के अंदर डिप कर देंगे और फिर यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं और उनको भी इसके अंदर हम डिप कर देंगे।
अगर हम इनको स्लरी के अंदर डिप नहीं करेंगे और ब्रेड क्रम्स से कोटिंग नहीं करेंगे तो हमारे जो कटलेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऑयल को सोक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इनको फ्राई होने के लिए रख दिया है, तो इनको हमें मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। तो इस तरह से यहाँ पर एक एक करके सभी कटलेट्स को मैंने जो है स्लरी के अंदर डिप कर दिया है और ब्रेड क्रम्स से उसकी जो है वो कोटिंग कर दी है। अगर आपको ब्रेड क्रम्स की रेसिपी चाहिए तो इसका लिंक जो है मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एक एक कटलेट को जो स्लरी के अंदर डिप कर दिया है और फिर यहाँ पे ब्रेड क्रम्स की उसकी कोटिंग कर दी है। तो यहाँ पर मैंने कटलेट्स को जो है पैन को बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, 3 से 4 कटलेट्स को फ्राई होने के लिए रखा है और जैसे इनका कलर एक साइड से चेंज हो जाएगा हम इनकी साइड्स को वो चेंज कर देंगे और 7 से 10 मिनट के अंदर जो है हमारे जो कटलेट्स है वो बन के तैयार हो जाएंगे। तो जैसे ही उनका भी साइड का जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन आ जाएगा हम इनको भी पैन में से निकाल देंगे। इनको हमें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि ये बिल्कुल भी जले नहीं, इस बात का हमें यहाँ पर खास ध्यान रखना है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने इनको टिश्यू पेपर पे निकाल दिया है। हालांकि हमने इनको स्लरी के अंदर डिप किया था और ब्रेड क्रम्स से इनकी कोटिंग की थी तो ये ऑयल जो है बिल्कुल भी सोक नहीं करते हैं, फिर भी हमने इनको टिश्यू पेपर पर निकाल दिया है ताकि कोई भी अगर एक्स्ट्रा ऑयल हो तो वो निकल जाए। तो इसी तरह से यहाँ पे मैंने एक एक करके सभी जो मैगी कटलेट्स है उनको फ्राई होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 से ज़्यादा मैगी कटलेट्स को नहीं डाला है, तो आप देख सकते हैं कि इनका भी गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो अब यहाँ पर हम इनके सर्विंग के प्रोसेस की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रोसेस चीज़ ली है और उसको यहाँ पर ग्रेट कर दिया है और अब यहाँ पे मैंने मिक्स्ड हर्ब्स को भी स्प्रिंकल कर दिया है। आप चाहें तो अपनी मनपसंद कोई भी डिप के साथ इनको सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर चीज़ जो है वो गर्म है तो ये कितनी अच्छे से मेल्ट हो रही है और इसके साथ ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप भी इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें और इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बने रहिए इसी तरह की और नई यम्मी रेसिपी के साथ।